सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड भग पाए झारखंड की तमाम खबरें नमस्कार सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव का लगातार प्रक्रिया तेज जरूर है चुनावी तिथि भले घोषणा न हो लेकिन दौर जारी है लगातार चुनाव में लोग चुनाव जो लोग मैदान में अजमाइश करने वाले हैं वो लोग तो लगातार जनसंपर्क अपना अपने अभियान तेज रखा है इसी दौर में है हमारे साथ अभिषेक सिंह से। जो ऐसे तो कह सकते हैं कि जेएमएम के नेता भी है और साथ ही साथ भावी वार्ड पार्षद भी हैं और एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका नगर पालिका पर हमेशा से दबदबा रहा और काबिज रहा नगर खासकर नगर पालिका पर लेकिन नगर निगम बनने के बाद इनके कह सकते हैं कि इनके परिवार से नगर निगम दूर हुआ लेकिन लगातार ये प्रयासरत है कि वो नगर निगम का भी आ, जो है नगर निगम में जो आने वाला चुनाव है वो इनके पक्ष में हो आ, इनके परिवार के पक्ष में हो अभिषेक जी लगातार ये बातें फेसबुक कह सकते हैं सोशल मीडिया से लगातार आ रही है संघर्ष एक तरफ महापौर दूसरे तरफ आपकी बातें क्या कहना चाहते हैं आप आखिर मतलब ये कि लड़ाई परिवार के बाद के बीच में है या फिर कर्म के बीच में है ये मानते हैं देखिए मेरा मेयर मैडम से सिर्फ एक ही सवाल है कि जो आपने पांच साल कार्य किया है वो कितना सक्सेसफुल है हम आपसे जनता की बात करते हैं मेरी नगर की जनता की बात करते हैं और आप हमसे हमारे परिवारवाद की बात करती है हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने जो भी काम किए हैं उसमें क्वालिटी कितनी है बताइए आपने आप तो बोलती हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है ये काम किया वो काम किया लेकिन वो कितना सक्सेसफुल है सिर्फ मेरे को हमको ये इतना बताइए जनता को ये बतलाइए हम जब आपसे सवाल पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारे परिवार आ, आपके परिवार में ऐसा है वैसा है जमीन है तो वो हमारा पारिवारिक मुद्दा है और वो मुद्दा न्यायालय में न्यायालय में है हम उस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं कुछ सवाल ये उठता है कि लगातार जो आपको क्या लगता है कि जनहित के मुद्दों से भटकाया जा रहा है क्या लगता है कि जनहित का जो मुद्दा है नगर निगम में जनहित का मुद्दा का कितना ख्याल रखा जा रहा है लगातार आप इस बात को दिखा रहे हैं कि मुद्दों से लोगों को अलग किया जा रहा है मेयर मैडम के पास जनहित का कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास एक ही मुद्दा है हमारा परिवार उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जब हम उनसे मुद्दे की बात करेंगे तो वो हमारे परिवार की बात करेंगे बस यही है अभिषेक जी लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे वो मतलब लगातार सुंदरीकरण की शहर की सुंदरीकरण की बात हो या लगातार इस मतलब मेयर मैडम बतला रही है कि शहर का सुंदरीकरण हो रहा है विकास हो रहा है है लगातार बातें आ रही और चाहे मीडिया में भी लगातार बातें आ रही है है कि शहर का विकास हो रहा है, कितना इसको मानते हैं देखिए शहर का विकास नहीं हो रहा है शहर के विकास के नाम पर लूट का सूट हो तो रहा है काम आप जहाँ भी है जो भी काम हुआ है आप सुंदरीकरण का देख लीजिए रोड का देख लीजिए जो भी काम हुआ है रोड रोड का कालीकरण हुआ एक डेढ़ महीने में रोड उखड़ गया देख वो तो देखने की बात है बड़ा तालाब का सुंदरीकरण की बात है बड़ा तालाब को च, बड़ा करना था कि छोटा करना था गहरीकरण हुआ उसका आज आज जाके बड़ा तालाब की स्थिति देख लीजिए क्या है और बोर्ड का एजेंडा है अभी जो बोर्ड का बैठक हुआ है बोर्ड के एजेंडे में वो बैठक में वो मुद्दा बड़ा तालाब का मुद्दा इन लोगों ने उठाया है खुद से भी रखा है कि उसमें घास सूख गया पेवर ब्लॉक उखड़ गया आपने डाउनसिंग फाउंटेन का इतना बड़ा शो दिखाया था दो साल पहले या साल एक साल पहले जो भी था तो डाउनसिंग फाउंटेन का शो आपने तो रोज रखा था कि छह से सात का ऐसा शो होगा कुछ सुनने में मिला था आज तक हुआ वो शो

आप आप हंस रहे हैं आप मतलब क्या कहना क्या कहना चाह रहे हैं भाई बोला इनने जो इन्होंने काम किया है जो इनका काम किया हुआ है ये कितना पुष्ट चलेगा ये इनसे पूछ लीजिएगा कि कितना दिन महीने दिन महीने में तो उखड़े आ रहा है हमारा काम तो पुष्टों से चलता आ रहा है जो, जो, जो और अब रही बात निगम जब नगर निगम होगा मेयर का चुनाव पहला होगा नगर पालिका का फंड और नगर निगम का फंड बहुत डिफरेंस था बहुत डिफरेंस की बात थी आज देख लीजिए ये आ, मतलब अगर हमारे कार्य में होता अगर हम में सीट में होते अगर निगम का फंड हमारे कार्यकाल में हुआ होता तो पांच साल में आप देखते कि कितना काम होता मतलब आप लगता है कि मतलब मानते हैं कि कम ऐसे भी और ज्यादा विकास होनी चाहिए विकास हुआ कहाँ है विकास के नाम पे सिर्फ चाइनीज लाइट लगाने से थोड़ी विकास होता है आप देख रहे हैं किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं अभिषेक जी और लगातार इस बातों को कह रहे हैं कि विकास के नाम पर लूट खसोट हुआ है जबकि लगातार ये विकास की बातें हो रही है एक तरह में कि शहर का रहा विकास रहा हाँ, चीज़ हाँ, चीज़ हाँ चीज़ क्या? अब जब ये आ, क्या बोलते हैं इसका हमारा ये मरीन ड्राइव की जब बात करते हैं तो मरीन ड्राइव पे ढिंडोरा पीटते हैं तो मरीन ड्राइव तो अग्रहरी जी के टाइम पे किया हुआ है इनका मरीन ड्राइव अभी बना का है अभी तो काम चल रहा है उसमें भी लूट का सोट हो रहा है पेपर के माध्यम से खबर छपा था उसमें बालू का लूट हो रहा था और जो पहले से बना हुआ है तो अग्रहरी जी के अग्रहरी जी के टाइम का अग्र, अग्र, अग्रहरी जी का दिन है पी -पी -पी होना चाहिए था, पानी पार्क पार्किंग ये शहर का मुख्य होना चाहिए था अभी आप पांच साल में आपने क्या अभी बोर्ड की बैठक अभी आप कर रही है कि पच्चीस तारीख से हम टैंकर देंगे नदी पे चेक डैम बनाएंगे तो जब आप बैठे थे ये पानी की स्थिति आज से तो नहीं है ये डाल्ट स्थिति बहुत पहले से है पानी का मुद्दा बहुत बुराना मुद्दा है तभी क्यों नहीं हुआ पांच साल में क्यों नहीं किया साल में क्यों नहीं क्यों नहीं किया पांच साल में ये बैठक अभी जब चुनावी मुद्दा हो रहा है जब चुनाव आने का है जब चुनाव अभी नजदीक पे आ रहा है तो आपको दिख रहा है कि चेक डैम का मुद्दा तो ये चुनावी है और कुछ नहीं होने वाला ये बस बर, मैं, उनका ये है क्या बोलते हैं उसको मतलब ये उसको जनता को बलगलाना कहते हैं जनता को बलगला रहे हैं ये दिखा रहे हैं इनका विजन कुछ नहीं है इनका विजन फिर वही है लूट का सूट और कोई भी नहीं चुनावी मुद्दा है और चुनाव के समय ही याद आया कि पानी की आ, कितनी जरूरत है कितनी किल्लत है जबकि पांच साल गुजर गए और पांच साल में लोग शहरवासी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते रहे और अब जब चुनाव आया तो पानी की बात चेकडेम की बात हो रही है फिर पानी की टंकी की बात हो रही है तो ये तमाम चीजें जो सिर्फ चुनावी आपका कहना यही है अभिषेक जी एक जो आ, मतलब जैसे आपने कहा कि ट्रिपल पी पर काम होना चाहिए पार्क पानी पार्किंग पानी पार्किंग और और, पार्क तो अब सवाल ये होता है कि इन तीनों चीजों में आप क्या मानते हैं सफल क्या हुआ कुछ भी सफल नहीं है कुछ भी सफल नहीं है इन लोगों ने कोई भी पार्किंग का भी मुद्दा है पार्किंग में अभी ये बना रहे हैं फ्लाईओवर यहाँ से निकालेंगे चार को जाम को तो ये, मेरा यही ये कहना है कि ये पांच साल पहले क्यों नहीं हुआ और जब जब निगम की सरकार बनी थी उसके बाद अठारह अठारह महीने तक बीजेपी की सरकार थी तब तो इनके लिए और आसान होना चाहिए था जो हमारी सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री जी को ये बोलते हैं कि सरकार से ऐसा नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है तो जब आप अठारह महीने की सरकार थी ना

वो वो अभी नहीं भी जो, है। और अभी भी जो पार्क अभी भी जो ये पार्क का दरवाजा खुला है अभी भी जो, जो दीनदयाल मार्ग का जो रास्ता खुला है ये ये तो इनके ऊपर प्रेशर आया जब वार्ड पार्षद ने निगम में जाके धरना दे दिया कि तोड़िए नहीं तो हम नहीं करने लेते इनका दिन थोड़ी है तो वार्ड पार्षद की वजह से टूटा है और ये अपने ऊपर नाम ले रही है कि हमने तोड़वा दिया क्या मानते हैं कितना भ्रमित ये भ्रमित ये जनता को भ्रमित करने का काम हो रहा है और कुछ नहीं कितना कैद हुआ है के पूरा ही ये मानता हूं मैं कि ये कैद हुआ है कैद हुआ कैद हुआ और ये कितना खुलना जरूरी है इसको खुलना बहुत जरूरी है जनता को तभी राहत मिलेगी अंतिम सवाल आपसे लगातार ये बातें आपने कहा कि परिवार पर हर बात परिवार पर आ जाती है तो क्या लगता है कि ये पारिवारिक लड़ाई को न बनाए मतलब आपका क्या मांग है कि पारिवारिक लड़ाई नहीं होनी चाहिए देखिए जिनके पास मुद्दा नहीं होता है तो वो कुछ ना अब देखिए ये न्यायालय मैं आपको फिर से बोलता हूँ ये न्यायालय में है मामला ये हमारे परिवार का मामला है मैं इनसे फिर भी पूछता हूँ कि आपको इसमें क्या इंटरेस्ट है मुझे ये बताइए मैं आपसे निगम की बात करता हूँ मेदनी की जनता की बात करता हूँ आप हमारे हमसे परिवार की बात करते तो भी कहा कि आप मतलब इतना कोई काम बताइए तीन आ, तीन, तीन काम, काम बता तो दिया इनको तीन काम बताया अभी तो बहुत सारे काम है काम दिखने लग जाएगा अब ये हमसे पूछती है कि आपने पानी का अभी तो मेयर मैडम मानी भी की हाँ पानी का सप्लाई जो हुआ वो आपके इंतकाल में हुआ फिर उन्होंने उसमें भी लॉन्चन लगाया कि आपका मोटर तीन चार दिन में खराब हो गया मैडम जी तो आपने जितना भी काम कराया है वो कितना सक्सेसफुल है और वो टेक्निकल चीज चीज मोटर खराब होना नहीं होना वो टेक्निकल चीजें वो हो जाता है अरे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है वही बोल रहा कि हमारे पास तो मतलब जब नगर पालिका था तो नगर पालिका में फंड कम थी उसके बावजूद भी हमसे जितना विकास हो सकता था जितना हम अपने से मैनेज करके कर सकते थे हम लोगों ने किया बट अब जब ये जब नगर निगम है फंड की कोई कमी नहीं है तो फिर आप देख लीजिए सामने क्या कहना चाहेंगे आप आप अगर हम आम जनता को भी और अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे आम जनता से मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप इनके बातों में ना आए और इनके बातों के कहने पे भ्रमित ना हो ये सिर्फ आपको भ्रमित करेंगे और अपना काम निकालेंगे अभी चुनाव चुनाव का समय है जैसे भ्रमित करना चाहते हैं और आपसे वोट लेना चाहते हैं और अभी इनका एक और चल रहा है ये बार-बार अतिक्रमण को अतिक्रमण ये बोलती है अतिक्रमण नहीं बढ़ाएंगे अतिक्रमण नहीं करेंगे मैडम मैं पूछते हैं कि जहां विकास नहीं हुआ बहुत सारे नए नए एरिया जुड़े थे नए एरिया में आपने फिर क्यों टैक्स लिया काम तो आपने आपने कुछ कुछ किया नहीं नहीं उधर उधर विकास तो हुआ नहीं कुछ भी आपने को, को, कोई भी कोई निगम का तो ऐसा कुछ भी काम नहीं दिखा तो फिर आप उनसे टैक्स क्यों ले रहे थे आप बस व्यवसायी वर्ग को बरगलाना चाहती हैं अभी आपने जो आपका स्टेटमेंट आ रहा है वो सिर्फ व्यवसायी वर्ग को बरगलाने का स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है धन्यवाद बात करने के लिए मुद्दा विहीन है यही वजह है कि जब बात मुद्दों की आती है तो परिवार पर मामला आता है यह कहना है अभिषेक जी का साथ ही इन्होंने कहा कि जितने भी कार्य नगर निगम के द्वारा हुआ है फिलहाल नगर निगम बनने के बाद वो सर सिर्फ और सिर्फ उसमें लूट, लूट खसोट हुआ है काम धरातल पर नहीं हुआ है और काम जो हुआ भी वो महीनों में दिख पड़ा कि कितना उसमें सच्चाई सब सामने उभर कर आ रही है तीसरी बात इन्होंने कहा कि नगर पर जब पालिका था तो उसमें फंड की कमी थी तब ने तब भी हमने विकास किया नगर निगम बनने के बाद फंड काफी आया लेकिन वो विकास सिर्फ ढिरा पीटा जा रहा है शहर में लेकिन जो नए वार्ड जुड़े हैं वहां विकास की किरण कोसो दूर है तब भी उनसे टैक्स लिया जा रहा है चुनाव है चुनाव तो चर्चा चर्थ, तो होता रहेगा लेकिन फिलहाल पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कैमरा सोमू के साथ विकास सिन्हा सिटी न्यूज़